आपके साथ मेघा, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम ट्रॉलिंग बॉलीवुड। एज यू ऑल नो, ट्रॉलिंग बॉलीवुड में हम आपसे बात करते हैं उन सेलिब्रिटीज के बारे में जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रॉल हो रहे हैं। मतलब ट्रॉलिंग और सेलिब्रिटीज का कभी ना टूटने वाला नाता है, तो ये कभी ना टूटने वाला नाता आज कितनी मजबूती के साथ जुड़ा है, इसी मुद्दे पर इस खास प्रोग्राम में हम आपसे करेंगे चर्चा। आज हम आपसे जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, वो सलमान खान की तरह टीवी टाउन के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के साथ जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बारे में। अमीषा बिग बॉस में क्या करने आई हैं? आई हैं तो क्या करेंगी? मतलब प्रतिभागी बनकर आई हैं, फीमेल बिग बॉस बनकर आई हैं, सलमान खान की तरह होस्ट बनकर आई हैं, क्या करने आई हैं? ये तमाम सवाल बिग बॉस के व्यूअर्स के जहन में उठ रहे थे तब तक जब तक इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो का ग्रैंड प्रीमियर नहीं हुआ था। ग्रैंड प्रीमियर पर खुद ही अमीषा ने बता दिया कि वो बिग बॉस की मालकिन है। उसके बाद जब डे वन था तो अमीषा आई, डे टू में अमीषा आई, और अब अमीषा पटेल को लेकर जनता में गुस्सा बढ़ गया है। रियलिटी शो बिग बॉस के सभी व्यूअर्स कह रहे हैं अमीषा पटेल से, ओ अमीषा कल मत आना। अमीषा पटेल हो रही हैं सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रॉल, क्योंकि ये बिग बॉस की नई मालकिन का कॉन्सेप्ट फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिग बॉस की नई मालकिन जरा भी व्यूअर्स को एंटरटेन नहीं कर पा रही है और अमीषा को बुरी तरह ट्रॉल होना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर। अमीषा को लेकर मीम्स बनने शुरू हो गए हैं, अमीषा को लेकर जोक्स क्रैक हो रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि एंटरटेनमेंट के फुल पैकेज में ये जो अमीषा का ओवरडोज है, ये सब कुछ गुड़ गोबर कर रहा है। और क्या कुछ कहना है अमीषा को लेकर, किस तरह अमीषा को ट्रॉल करा जा रहा है, अमीषा को लेकर किस तरह के मीम्स और जोक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं अपनी बेहद स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा, बिग बॉस सीजन 13 में बाकी 12 सीजन्स के मुकाबले काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिले। इस बार सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया है मालकिन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस और सलमान खान के अलावा इस बार नजर आए हैं यहाँ पर मालकिन के तौर पर कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस अमीषा पटेल। घर की मालकिन बनी अमीषा पटेल कब तक शो के साथ जुड़ी रहेंगी? मालकिन बनी अमीषा पटेल कब तक बिग बॉस सीजन 13 में रहेंगी? इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल अमीषा हो रही हैं काफी ज्यादा ट्रॉल। फिलहाल अमीषा को काफी ज्यादा ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ रहा है, क्यों चलिए आपको बताते हैं। हमारी इस रिपोर्ट में आप कई ट्वीट्स देख रहे होंगे, बता दें आपको ये सभी ट्वीट्स बिग बॉस के व्यूअर्स ने किए हैं और इन ट्वीट्स में फैंस का गुस्सा आप साफ तौर से देख सकते हैं। इन ट्वीट्स के जरिए फैंस हो रहे हैं काफी ज्यादा बिग बॉस के मेकर्स पर गुस्सा और साफ तौर पर फैंस के रिएक्शंस बता रहे हैं कि ये जो अमीषा ये सोचकर आई हैं कि फैंस सलमान खान की तरह उन्हें भी प्यार देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। बता दे आपको अमीषा पटेल लगातार चर्चा में तो रहती हैं, लेकिन बिग बॉस की वजह से जो खिल्ली उनकी सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी फिल्म मैंने प्यार किया को लेकर, कभी फिल्म स्त्री को लेकर, तो कभी यहाँ पर फिल्म वेलकम को लेकर जोक्स में अमीषा पटेल को काफी ज्यादा क्रिएटिव तरीके के साथ फिट कर दिया गया है और इन्हीं सब को लेकर अमीषा काफी ज्यादा ट्रॉल हो रही हैं। देखना होगा इस ट्रॉलिंग पर जब अमीषा की चुप्पी टूटती है, जब इस ट्रॉलिंग को लेकर डायरेक्टली अमीषा पटेल से सवाल किया जाता है तो वो क्या कहती हैं। बता दे आपको फिलहाल अमीषा बिग बॉस के घर में आई हैं, ठुमके लगाते हुए भी नजर आई हैं। अमीषा को डांस करते हुए देखा गया है कहो ना प्यार है पे,
वाइट पैंट ब्लू क्रॉप टॉप के साथ गजब की खूबसूरत वो लग रही थी। पहले दिन प्रतिभागियों को उन्होंने टास्क दिए लग्जरी बजट को लेकर, लेकिन मेकर्स चाहे अमीषा के लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करें या अमीषा की एक्टिंग को रियलिटी शो में फिट करने की कोशिश करें, लग तो यही रहा है कि फैंस अमीषा को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, हमें बताना नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूले। तो देखा आपने किस तरह से एक सुर में सभी लोग कह रहे हैं, ओ अमीषा कल मत आना, ये मालकिन है और इन्हें हम बिग बॉस के साथ नहीं झेल सकते। यानी ये लोगों का कहना है कि बिग बॉस की फीमेल मालकिन का कॉन्सेप्ट जो है फिजूल में जोड़ दिया गया है, जिसका असर शो की टीआरपी पर अच्छे के लिए पड़े या ना पड़े, लेकिन बुरे के लिए डेफिनेटली पड़ेगा। नाउ गाइज, मूविंग ऑन टू अनदर अपडेट। अब यहां आप सोच रहे होंगे कि अमीषा पटेल को बिग बॉस के लिए आखिर चुना क्यों गया, मतलब बीते काफी टाइम से फिल्मी पर्दे से वो दूर हैं, कोई बॉलीवुड प्रोजेक्ट वो करती हुई नजर नहीं आ रही, तो मतलब क्या सोचकर उन्हें बिग बॉस सीजन 13 में लिया गया और क्या माइंडसेट रहा होगा प्रोड्यूसर्स का, मेकर्स का, डायरेक्टर का अमीषा को लाने के पीछे। तो यहां हैरानी हो सकती है आपको जानकर कि आपकी थोड़ी जान बच गई है, क्योंकि अमीषा बिग बॉस के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थी। बिग बॉस सीजन 13 की मालकिन के तौर पर पहली चॉइस दरअसल मलिका शेरावत थी। अब आपको लग रहा होगा कि अमीषा ही अच्छी है, सोच कर देखिए जरा, अगर ये मालकिन के तौर पर एक्सेंट के साथ आ जाती मलिका शेरावत, तब आप क्या करते। मुझे तो लगता है कि फैंस हो जाते स्पीचलेस, कमेंटलेस, अगर गलती से भी मलिका शेरावत आ जाती। अब मलिका के हाथ से ये प्रोजेक्ट क्यों निकला और क्यों अमीषा पटेल को इसके लिए साइन किया गया, साइन करने के पीछे का क्या मकसद रहा और कितने टाइम तक आपको ये टॉर्चर झेलना है, विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, चलिए आपको बताते हैं, देखिए जरा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बिग बॉस सीजन 13 में मालकिन के लिए पहली पसंद अमीषा पटेल नहीं थी। एज पर द सोर्सेस कलर्स चैनल, बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस को लेना चाहता था बिग बॉस की मालकिन के तौर पर जो बोल्ड हो और साथ ही डांस करना बेहतरीन तरीके से जानती हो। तो ऐसे में मिली जानकारी की माने तो सबसे पहली पसंद इस पूरे मुद्दे के लिए बनी हुई थी मलिका शेरावत। लेकिन मलिका शेरावत ने जानते हैं क्या किया, मतलब बिग बॉस जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिस मलिका को मिल रही थी, उन्होंने यहाँ मेकर्स से कर डाली खूब सारी डिमांड, और जो हाई पैसे मांगे मलिका शेरावत ने, मेकर्स ने मलिका को ही रिप्लेस कर दिया। मलिका शेरावत हो गई रिप्लेस बिग बॉस सीजन 13 से। ये चली गई बड़ी अपॉर्चुनिटी अमीषा पटेल के पास। बता दें आपको, अमीषा को लेकर ये जानकारी मिली है कि काफी ज्यादा मजबूरी में उन्हें बनाया गया है बिग बॉस की मालकिन, क्योंकि आखिरी आखिरी तक भी मेकर्स अमीषा को कास्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वेल, वी मस्ट से अगर टीआरपी रेटिंग्स आएंगी तो कहीं मेकर्स को अपने लिए गए फैसले पर पछतावा ना हो जाए, क्योंकि फैंस का रिएक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कुछ इसी तरह का नजर आ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से एक के बाद एक लगातार ट्विस्ट एंड टर्न्स रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के धमाके। फिलहाल हर किसी को इंतजार है पहली बिग बॉस के ग्रैंड प्रीमियर के बाद पहली बार रेटिंग के आने का, क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि ये रेटिंग्स कितनी ज्यादा अच्छी रही हैं, अमीषा की एंट्री का अच्छा रिस्पांस मिला है या फिर ये टू मच हो गया, और टू मच ऑफ एनीथिंग इज गुड फॉर नथिंग आफ्टर ऑल। तो दोस्तों, इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। ट्रॉलिंग बॉलीवुड में हमने आपसे बात की किस तरह अमीषा को किया जा रहा है बुरी तरह ट्रॉल उनके बिग बॉस में मालकिन वाले एक्स्ट्रा डोज एटीट्यूड की वजह से।
अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, हर बार की तरह ले रहे हैं आपसे विदा इसी वादे के साथ, वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, बट टिल देन एज यू ऑल नो, स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड.